आप चाहे मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करते हो या कैमरा से, अगर आप सिर्फ जेपेग में शूट कर रहे हो तो फिर इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रॉ फाइल फॉर्मेट में शूट करके अपनी फ़ोटोग्राफ्स को और बेटर बना सकते हो। सारे DSLR कैमरा में रॉ में शूट करने का ऑप्शन होता है और ऑलमोस्ट सारे DSLR फोटोग्राफर्स रॉ में शूट करते भी है, बट व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोटोग्राफी हम मोस्टली हमारा स्टॉक कैमरा ऐप ही यूज़ करते हैं, और 95% फ़ोन में स्टॉक कैमरा ऐप आपको रॉ में शूट करने का ऑप्शन नहीं देता है। बट वी विल टॉक अबाउट द कैमरा ऐप पार्ट इन सम अदर वीडियो। इस वीडियो में हम पहले जानते हैं कि रॉ होता क्या है और कैसे जेपेग से बेटर होता है। सो व्हाट इज़ रॉ? रॉ एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो एक फ़ोटो को ऑलमोस्ट 100% इन्फॉर्मेशन के साथ बिना कंप्रेस किए या प्रोसेस किए स्टोर करता है, और क्योंकि इसमें एक सीन का सारा इन्फॉर्मेशन इंटैक्ट रहता है इसीलिए रॉ फाइल के साइजेस बड़े होते हैं। ऑन द अदर हैंड जेपेग फाइल फॉर्मेट में कैमरा या मोबाइल फ़ोन अपना छोटा सा दिमाग लगाकर इमेज को प्रोसेस करता है और कंप्रेस करके उसको स्टोर करता है, जिसके वजह से जेपेग का फाइल साइज भी छोटा होता है। एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसमें हमारा रोल कहाँ पे है? फाइल साइज छोटा होना तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। यस, वी आर मूविंग टू दैट पार्ट, एंड इन दिस पार्ट आई विल गिव यू एनफ रीजंस फॉर यू टू स्टार्ट शूटिंग इन रॉ। जेपेग एक 8-bit फाइल फॉर्मेट होता है, जहाँ पे रॉ आपका 12-bit या 14-bit भी हो सकता है। अब ये 8-bit 14-bit आपको बहुत कन्फ्यूजिंग लग सकता है और इसके बारे में आपको टेक्निकली डिटेल में जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। सपोज़ मैंने आपको एक नेचुरल सीनरी ड्रॉ करने दिया जिसमें माउंटेन्स है, ट्रीज़ है, झरने हैं, कलरफुल फ्लावर्स है, हाईलाइट्स है, शेडोज़ हैं, और मैंने आपको 4 स्केच पेन दिया, और दूसरे एक केस में मैंने आपको वही सीनरी ड्रॉ करने के लिए मैंने एक पूरा पैकेट दिया स्केच पेन का, तो ऑब्वियसली सेकेंड वाले सीनरी में आपका कलर एक्यूरेसी बेटर होगा, क्योंकि आपके पास हर एक शेड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केच पेन अवेलेबल है, एंड दैट इज़ द केस विथ 8-bit एंड 14-bit। सो पहले वाला स्केचिंग एग्जाम्पल की तरह ही जेपेग फाइल में जो इन्फॉर्मेशन रेंज होता है वो बहुत कम होता है कम्पेयर टू रॉ फाइल। एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक 8-bit इमेज में एक प्राइमरी कलर के लिए 256 टोनल वैल्यूज होते हैं, जहाँ पे एक 14-bit इमेज में एक प्राइमरी कलर के लिए 16,385 टोनल वैल्यूज होते हैं। सो हम जब एक 12-bit या 14-bit इमेज को एडिट करने जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होता है कलर्स, हाइलाइट्स या शेडोज़ के साथ प्ले करने के लिए। दूसरा रीज़न, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि जब हम जेपेग में शूट करते हैं तो हमारा कैमरा डिसाइड करता है कि हमारा फ़ोटो कैसे अच्छा दिखेगा, और कैमरा अकॉर्डिंगली उसी 8-bit इन्फॉर्मेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन को रखता है और बाकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग में निकाल देता है, यानी हमें एक बर्न्ड और कंप्रेस्ड इमेज मिलता है जिसमें उतना ही डेटा होता है जितना कैमरा को लगता है कि यूज़फुल है। नाउ एज अ फोटोग्राफर हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे फ़ोटोज़ पे अपना पूरा कंट्रोल हो, और इसीलिए रॉ में शूट करना इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि रॉ फॉर्मेट में कैमरा या मोबाइल फ़ोन अपना दिमाग लगा के इमेज को प्रोसेस नहीं करता है, और जितना भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सारा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, सो दैट यू कैन प्ले विद द इन्फॉर्मेशन द वे यू वॉन्ट। सो अब हम एक रॉ और एक जेपेग फाइल को साइड बाई साइड एडिट करके देखते हैं। तो हम दोनों जेपेग और रॉ फाइल को ओपन कर लेते हैं लाइट रूम पे। इस फोटो को मैंने इंटेंशनली ऐसे साइड से लाइटिंग करके खींचा सो दैट डेमोन्स्ट्रेशन आसान हो और आपको डिफरेंस समझ में आए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़ोटो का एक साइड बिल्कुल डार्क है और ऑलमोस्ट कोई डिटेल नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई एंड पुल अप द डिटेल्स फ्रॉम द शेडोज एंड द हाईलाइट्स, एंड इसके लिए हम शेडोज़ को पुल करेंगे टिल पॉजिटिव 100 और हाइलाइट्स को हम पुल डाउन करेंगे टिल नेगेटिव 100। सो पहले हम इस जेपेग फाइल का शेडोज़ को बम्प करते हैं टिल पॉजिटिव 100 एंड हाईलाइट्स को हम नेगेटिव 100 कर देते हैं। नाउ लेट्स गो टू द रॉ फाइल एंड डू द सेम, और हम दोनों फ़ोटो को जूम करके देखते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जेपेग फाइल में नोज़ के ऊपर एक वियर्ड सी रेड बैंडिंग आ रही है, और इस इमेज का शेडो वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पिक्सेलेटेड है, क्योंकि जेपेग फाइल में इस शेडो एरिया में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था नहीं, और जब हमने डिटेल को पुल किया तो लाइट रूम ने वहाँ पर कंपेंसेट करने की कोशिश की। बट अगर आप इस रॉ इमेज को देखोगे यहाँ पर ऑलमोस्ट ना के बराबर बैंडिंग है और शेडो वाला पार्ट बिल्कुल भी पिक्सेलेटेड नहीं है।
नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहां पे हम हाईलाइट्स से डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे। इस फोटो में हाईलाइट बिल्कुल ब्लोन आउट है और हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। सो पहले हम जेपेग फाइल में हाईलाइट्स को पुल डाउन करते हैं और शेडोज़ को थोड़ा सा अप करते हैं सो देट हमें समझ में आए। हमें कोई भी डिटेल वापस नहीं मिला। अब जाते हैं हम रॉ फाइल में एंड लेट्स डू द सेम। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जेपेग फाइल में हमें कोई भी डिटेल वापस नहीं मिला, बट रॉ फाइल में वी कुड एटलीस्ट गेट सम डिटेल बैक। सो बाय दिस टाइम आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे हम रॉ में शूट करके बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। बट अगर आपका काम डिमांड करता है कि आपको इमीडिएटली फोटो अपलोड करना होता है या फिर किसी को भेजना होता है, इन दैट केस ऑब्वियसली जेपेग इज द वे टू गो। सो अब बात ये आता है कि हम DSLR में तो रॉ में शूट कर सकते हैं, बट हम मोबाइल फ़ोन में कैसे रॉ में शूट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोन्स में आपका स्टॉक कैमरा ऐप रॉ में शूट करने का ऑप्शन नहीं देता और इसके लिए हमें थर्ड पार्टी कैमरा ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे थर्ड पार्टी कैमरा ऐप शेयर करूँगा जो आपको फ्री में रॉ में शूट करने का ऑप्शन देगा। अगर आप इसके बारे में आगे भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई ड्रॉप द नेक्स्ट वीडियो। बट रॉ सिर्फ आपका इमेज क्वालिटी को बढ़ाएगा और आपको रॉ में शूट करने के साथ साथ अपने फोटोग्राफी को भी इम्प्रूव करना है। अगर आप अपने मोबाइल फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हो तो iCard में मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर वीडियो ऐड किया हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट हेल्पफुल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू कंटिन्यू योर सपोर्ट। और अगर आपके फ़ोन में रॉ शूटिंग एनेबल्ड है देन स्टार्ट यूजिंग इट लाइक राइट नाउ। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।